हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित कुमार और मैं आप सभी का साइलेंट प्राइम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक फंडामेंटल राइट है और इसके अंदर चार आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। फ्रेंड्स, इस तरह की और वीडियो के लिए आप साइलेंट प्राइम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बगल में नोटिफिकेशन बेल का आइकन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमें एक राइट देता है, अधिकार देता है किस चीज़ के लिए, तो रिलीजन के फ्रीडम का। ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड जो जो फ्रीडम होनी चाहिए वे सारे फ्रीडम जो है वो ये आर्टिकल हमें प्रोवाइड करते हैं। तो देखते हैं ये चारों आर्टिकल्स जो है वो किस तरह से जो है फ्रीडम के, रिलीजन के फ्रीडम को हमें प्रोवाइड करते हैं। तो पहला जो आर्टिकल है 25, ये कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो पहला तो ये है कि ये रिलीजन जो है उसका कंसाइंस देता है कि हम रिलीजन को चुन सकते हैं। कंसाइंस का मतलब होता है कि सही और गलत को चुनना। तो मतलब हमारे पास फ्रीडम है कि हम रिलीजन, कौन सा रिलीजन हमारे लिए सही है, कौन सा, किस रिलीजन पे हम विश्वास करते हैं, रिलीजन में क्या हमें अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें चुनने का जो है राइट हमारे पास है। ये एक इंडिविजुअल राइट है, ये हर नागरिक का, हर पर्सन का, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, ये हर किसी को मिला है और वो खुद ही चुन सकता है। फ्री प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है प्रोफेस करना, मतलब एक तरह से देखिए तो डिक्लेयर करना कि मेरा ये रिलीजन है, मेरा ये रिलीजियस प्रैक्टिस है। ठीक है, ये उसे डिक्लेयर करना, ये होता है फ्री प्रोफेशन। प्रैक्टिस का मतलब होता है जो भी रिचुअल्स हैं उसे प्रैक्टिस करना। ओके, तो रिलीजन के अंदर जो उसे प्रैक्टिस करने से रिलेटेड जितने भी लॉ, रूल, रेगुलेशंस है, विधि हैं, ठीक है, उसे प्रैक्टिस करना। ओके, तो ये आता है प्रैक्टिस के अंदर। और प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि अपने बिलीव्स को, अपनी आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है, उसे प्रोपागेट करना, उसका प्रचार करना, तो ये प्रोपोगेशन के अंदर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती हम अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर दें, नहीं नहीं तो वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का जो है वो अपोजिट हो जाएगा। ओके, ये था आर्टिकल 25। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 26, ये हमें देता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम है। तो ये जो रिलीजियस अफेयर होता है वो किसी एक इंडिविजुअल्स के पास तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप को दिया जाता है, ग्रुप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे टेम्पल या फिर मॉस्क्यू। ओके, तो ये आर्टिकल 26 के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 27 देता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन के प्रमोशन में जो भी पैसा खर्च होता है, ठीक है, उस पर स्टेट किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेगी, तो उससे एक फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 27 हमें देता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 28, ये देता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें अटेंड करने से भी काफ़ी फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 28 के अंदर हमें मिलती है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी करके कि कौन से आर्टिकल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस जो है वो है। तो पहला जो आर्टिकल 25 है ये देता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसके अंदर जो जो अलग अलग टर्म है जैसे कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन, इनका क्या मतलब है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का क्या मतलब होता है, कंसाइंस का मतलब होता है कि ये देखना कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब क्या है, एक इनर फ्रीडम मिल रही है हमें कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम गॉड के साथ अपने रिलेशंस को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, हम कैसे उनके साथ अपने रिलेशन को मोल्ड कर सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल राइट है क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने तरीके से गॉड के साथ रिलेशन को मोल्ड कर सकता है, वो जिस फॉर्म में जिस तरीके से डिजायर करता है, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो चुन सकता है। राइट टू प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब होता है डिक्लेयर करना कि अपने जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो फेथ है, ठीक है, जो धारणाएं हैं, जो विश्वास है, ठीक है, जो टेनेट्स है, उन्हें ओपनली और फ्रीली जो है वो डिक्लेयर कर देना, ये होता है राइट टू प्रोफेस करना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, परफॉर्म करना, जितने भी हमारे रिलीजियस वर्शिप्स है, रिचुअल्स है, ठीक है, जो कर्म कांड जो कहते हैं, पूजा पाठ जो कहते हैं, सेरेमनी है, ठीक है, जो बिलीव्स है, आइडिया है, उन्हें प्रैक्टिस करना, ठीक है, उन्हें अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना। तो ये हमें सिर्फ कंसाइंस का नहीं, इनर फ्रीडम ही नहीं देता है, बल्कि हमें प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की भी आज़ादी देता है। और जो अगला जो आर्टिकल 25 के अंदर जो राइट आता है, राइट टू प्रोपागेट करना अपने रिलीजन को, इसके अंदर क्या आता है कि हम अपने जो रिलीजियस बिलीव्स है, ठीक है, अपने जो टेनेट्स है, अपने जो आइडियाज हैं, उनको हम दूसरे की ओर जो है ट्रांसमिट कर सके, उन्हें हम ओपनली जो है वो बता सके कि हम इस पे बिलीव करते हैं, ठीक है, दूसरा का उसका प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन इसके अंदर ये राइट नहीं आता है कि हम दूसरे के रिलीजन को जो है वो बदल दें, कोई फोर्सफुली अगर हम दूसरे के रिलीजन को चेंज करना चाह रहे हैं तो ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का ही उल्लंघन होता है आर्टिकल 25 के अंदर। ओके, तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ रिलीजियस बिलीफ को ही कवर करते हैं, ना कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी, सॉरी,
तो मतलब आर्टिकल 25 जो है वो सिर्फ रिलीजियस बिलीफ्स को ही फैक्टर ये कवर नहीं करते बल्कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी कवर करते हैं। मतलब हम एक तरह से बिलीफ कर सकते हैं, हम उन रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो राइट्स हैं वो सिटीजन और नॉन सिटीजन्स जो है वो दोनों को अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्या ये राइट्स एब्सोल्यूट है, क्या ये राइट बहुत मतलब क्या इन राइट्स को कम नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है। ये राइट्स जो है वो पब्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, मॉरलिटी, हेल्थ और जो अदर जो प्रोविजंस है जो कि दूसरे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, उनको फॉलो करने चाहिए। मतलब क्या है कि अगर अगर रिलीजियस बिलीफ्स या प्रैक्टिस कुछ ऐसा है जो पब्लिक ऑर्डर जो है वो सही नहीं कर रहा है, अगर दंगे फसाद जो है की स्थिति पैदा कर रहा है, तो इन पर जो है स्टेट रोक लगा सकती है। ओके, अगर अगर वो मैटर मॉरलिटी के खिलाफ है, जैसे कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, अगर इस तरह के कोई केसेस हो रहे हैं तो जो वो गलत हो जाएगा। अगर हेल्थ के लिए वो सही नहीं है तो फिर स्टेट जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है और अदर प्रोविजन रिलेटेड टू और अदर फंडामेंटल राइट, जैसे कि विमेन बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में विमेन के फ्रीडम को जो है वो कम किया जाता है, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के खिलाफ है। तो इस तरह के अगर अदर फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को उल्लंघन होता है तो फिर इस पर भी रोक लगाई जा सकती है। जैसे कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के केस में था, जिसको तलाक इबादत कहते हैं, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी थी इसी प्रैक्टिस में कि वो आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन करता है। ओके, अब स्टेट क्या क्या कर सकता है। स्टेट जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होती है, ठीक है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो स्टेट का जो डिफिनेशन के अंदर जो है वो क्या क्या आते हैं, क्योंकि ये मैंने काफ़ी अपने पहले वाले वीडियो में बता चुका था। ये आपका एक टास्क है कि आप नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि स्टेट के डिफिनेशन के अंदर जो है वो क्या क्या आता है। ओके, तो स्टेट जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जितनी भी सेक्युलर एक्टिविटी होती है, अब ये सेक्युलर एक्टिविटी क्या होती है और ये रिलीजियस एक्टिविटी क्या होती है। सेक्युलर एक्टिविटी मतलब होते हैं कि रिलीजियस से रिलेटेड नहीं, ठीक है, जैसे कि कोई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर कोई कर रहा है, ठीक है, जो कि तो वो सेक्युलर एक्टिविटी के अंदर आती है, क्योंकि वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। सारे रिलीजन में इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी होती ही है, तो उनको वो रेगुलेट करता है स्टेट, चाहे तो उसको रेगुलेट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ओके, और सोशल वेलफेयर के लिए वो काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित है, जो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, या फिर हिंदू के जितने भी क्लास और सेक्शन होते हैं उनमें सोशल वेलफेयर कर सकता है और रिफॉर्म कर सकता है स्टेट चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि सिर्फ हिंदू रिलीजन ही है, क्योंकि हिंदू रिलीजन के अंदर भी सिख वगैरह आते हैं, तो हिंदू रिलीजन जो है वो क्वालिफाइड फॉर्म में है और हाँ, और ज़्यादातर लॉ में जो है हिंदू के वो बने हुए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। लेकिन इस्लाम के अंदर क्या आता है, मुस्लिम लॉ के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो काम करती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ काम करता है, उनके जो लॉज है वो क्वालिफाइड नहीं है, तो ये एक जो है रीजन है। आर्टिकल 25 के अंदर दो और एक्सप्लेनेशन है, वो ये कहता है कि जो सिख लोग जो कृपान पहनते हैं, कृपान मतलब एक चाकू की तरह होती है जो कि उन्हें वो पहन वेयर करते हैं और अपने साथ कैरी करते हैं, ठीक है, वो सिख के प्रोफेशन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और ये और दूसरा क्या है कि ये जो हिंदू का जब हम बात करेंगे, ये इस आर्टिकल में जो हमने हिंदू का बात किया, हिंदू के अंदर सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी लिया जाता है, ठीक है। तो ओके, अब क्या है कि जैसा हमने देखा कि आर्टिकल 25 सिर्फ इंडिविजुअल के राइट को ही गारंटी करता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि हर इंडिविजुअल, ठीक है, हर इंडिविजुअल अपने रिलीजन को चुन सकता है, उसे प्रोपागेट कर सकता है, उसे प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, ये एक इंडिविजुअल राइट है। लेकिन आर्टिकल 26 क्या है, ठीक है, इसे हम देखेंगे। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम। ओके, तो रिलीजियस अफेयर्स को अगर मैनेज करना है तो एक आदमी तो मैनेज करेगा नहीं, ठीक है, इसके लिए एक कम्युनिटी होती है, एक ग्रुप होती है, एक सेक्शन ऑफ पीपल होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी राइट है, एक ओके, जिसमें एक रिलीजियस डिनोमिनेशन होता है, काफ़ी लोग होते हैं उस रिलीजन से, या फिर उनके कुछ एक सेक्शन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनको ये राइट गारंटीड होता है। तो ये आर्टिकल 26 क्या है, ये कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। अब आर्टिकल 25 की ही तरह ये जो आर्टिकल 26 है, ये पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ, ठीक है, इस पर सब्जेक्टेड होता है। मतलब इनको देख कर ही आर्टिकल 26 जो का प्रोविजन जो है वो काम करेगा, लेकिन जो अदर प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट के, वो इन पर काम नहीं करते हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था आर्टिकल 26 के बारे में। आर्टिकल 26 के बारे में इनका यही कहना था, ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन का बात किया गया, सेक्शन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल का बात किया गया, जिनके पास फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि
रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या, इसमें इंडिविजुअल का एक कलेक्शन होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, ठीक है, जिनका एक अपना सेट ऑफ बिलीफ होना चाहिए, अपना एक डॉक्ट्राइन होना चाहिए अलग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए, उन ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग नाम होना चाहिए, तभी उसे एक रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रामकृष्ण मिशन है और जो आनंदा मार्ग है, ठीक है, ये एक अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जबकि अरविंदो जो सोसाइटी है वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, ओके। अब है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 हमें देता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। एक रिलीजन के प्रमोशन में जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं उस पर स्टेट जो है वो टैक्स नहीं लेगी, इससे हमें फ्रीडम मिलता है। मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी तरह का टैक्स पे करे, ठीक है, अगर वो उस मनी का यूज किया कर रहा है किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या फिर मेंटेनेंस में, ओके। तो मतलब क्या हुआ कि अगर अगर पैसे खर्च किए जा रहे हैं कोई रिलीजन के प्रमोशन के लिए, उस रिलीजन के मेंटेनेंस के लिए, तो उस पर जो है स्टेट किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेगी। और यहाँ पे एक और भी बात है कि स्टेट जो टैक्स की मदद से जो पब्लिक मनी जो कलेक्ट की जा रही है, ठीक है, उनका यूज वो किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए भी नहीं करेगी। मतलब वो जो पब्लिक मनी है उनके पास टैक्स के फॉर्म में यूज किया, वो कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि सबके लिए वो करेगी, कर सकती है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक सेक्युलरिज्म की बात की गई है कि सेक्युलर चीज़ें होनी चाहिए। मतलब क्या है कि स्टेट जो है वो फेवर नहीं करेगी किसी एक रिलीजन को, पेट्रोनाइज नहीं करेगी, ठीक है, उन्हें संरक्षण नहीं देगी, उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करेगी मुस्लिम के मुकाबले, या मुस्लिम को सपोर्ट करेगी हिंदू के मुकाबले, हिंदू रिलीजन के मुकाबले, ऐसा नहीं है, जबकि वो टैक्सेस का यूज करेगी सारे रिलीजन को समान प्रमोट और मेंटेन करने के लिए, ओके। अब क्या है कि ये जो प्रोविजन है वो सिर्फ टैक्स को लेवी करने पे रोक लगाता है, ठीक है, कि वो टैक्स नहीं लेगी, लेकिन फी नहीं। क्यों फी नहीं? क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जो फी का पर्पस होता है वो सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के जो सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे कि अगर शरणार्थी, ठीक है, अगर शरणार्थी किसी टेंपल की ओर जा रहे हैं, जैसे कि अमरनाथ टेंपल की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को अगर ध्यान में रखना है तो गवर्नमेंट अगर उन्हें सिक्योरिटी देना चाहती है तो उनके बदले अगर वो फी लेती है तो वो कोई गलत नहीं है, वो एक टैक्स नहीं है, ठीक है, वो फी बस एक सेक्युलर एक्टिविटी है, क्योंकि वहाँ तक जाना जो है वो किसी वो रिलीजियस एक्टिविटी से नहीं जुड़ा हुआ है, ओके। तो जो फी जो लेविट की जाती है, जो ली जाती है पिलग्रिम्स पे, ठीक है, वो उन्हें स्पेशल कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है, ठीक है, ओके। तो ये था आर्टिकल 27। अब जो है आर्टिकल 28, ये आर्टिकल 28 देता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने से ये हमें फ्रीडम देता है। तो ये जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ दिए जाते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिए जाते हैं, ठीक है, और वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन्हें अटेंड करने से ये आर्टिकल 28 फ्रीडम देता है। मतलब क्या होगा कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जो कि स्टेट फंड से होली मेंटेन किए जाते हैं। मतलब कि ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें जितने भी पैसे आते हैं, फंड आते हैं, वो पूरे के पूरे स्टेट देती है, गवर्नमेंट देती है, तो होली फंडेड बाय स्टेट फंड ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं जाएगा, ओके। लेकिन अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन वो इस ट्रस्ट से एस्टेब्लिश किया गया है कि वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया ही जाएगा, तो इसमें ये प्रोविजन जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइज करती है या फिर कुछ ऐड देती है, कुछ फंड देती है, ठीक है, तो वहाँ पर किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कि मजबूर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है या फिर और वर्शिप को अटेंड करे। मतलब वहाँ पे वो पर्सन जो है फ्री है कि वो अगर अटेंड करना चाहता है तो वो कर सकता है, नहीं करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो माइनर है, अगर वो कोई बच्चा है जिसकी 18 साल से कम उम्र है, तो फिर उनके गार्जियन की सहमति जो है वो जरूरी होती है, ओके। अब तो जैसा हमने देखा तो आर्टिकल 28 के अंदर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चार तरह से बांट सकते हैं। पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो ऐसा हो गया जिसको पूरी की पूरी मेंटेन की जाती है स्टेट फंड के द्वारा, ठीक है, पूरी की पूरी स्टेट ही उसे फंडिंग करती है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेट तो करता है
लेकिन वो इसलिए इस्टेब्लिश की गई किसी ट्रस्ट के अंदर कि यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया जाएगा, तो इस केस में यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। अगर स्टेट किसी इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है या फिर जो है उसे एड जो है वो देती है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट से एड रिसीव करता है, तो वहाँ पर किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो व्हाट्सएप को अटेंड करे, वो फ्री है अटेंडिंग, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और जो बगल में नोटिफिकेशन बेल का आइकन होता है उसे प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर कोई डाउट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।